दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लावा ने लावा Z61 Pro लॉन्च कर दिया है और ये 100% इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है। स्मार्टफोन इंडियन है कि नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन ब्रांड तो 100% इंडियन ही है। अब ये लोग ऐसा करके एडवर्टाइज कर रहे हैं, अब ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसका प्राइस जो है काफी कमाल का रखा हुआ है एंड 6000 के नीचे आज के टाइम में और कोई ब्रांड देता भी नहीं है स्मार्टफोन। कम स्पेसिफिकेशन वाले छोड़ो, स्मार्टफोन ही नहीं आते आपको मिलेंगे फिर बहुत पुराने वाले, वो सारे ऐसे जो आप खरीदना नहीं चाहोगे। लेकिन ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन इस प्राइस पे मैं कहूंगा बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप इंडियन स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है अपने प्राइस के हिसाब से, उसी के बारे में बात करेंगे। क्या है स्मार्टफोन, क्या सारी चीजें, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैं पहले ही कह दूं कि बहुत अच्छे नहीं है स्पेसिफिकेशन, कि आपको धमाकेदार नहीं लगेंगे क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है आपको मालूम है लावा, लेकिन डिसेंट है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत खराब है, इस प्राइस में आपको ऐसे ही स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। प्राइस की बात करते हैं कि वेरियंट आया 2GB 16GB का, जिसका प्राइस 5774 रुपये रखा गया, यानी 5774 रुपीज। एंड उस प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन जो मुझे लगे ठीक ठाक लगे हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन और डिस्प्ले से, तो थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन मिलेगा आपको, वही 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला जो कि 2018 के आसपास के टाइम में चलता था। 5.45 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले है, 720x1440 का रिजोल्यूशन है, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छा स्मार्टफोन है। फ्रंट में आपको नॉच नहीं, बड़ा सा बेजल मिलेगा ऊपर और नीचे, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा खासा मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है लेकिन अनस्पेसिफाइड है, मतलब अभी तक स्पेसिफाई किया नहीं कि कौन सा वाला प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसमें। ऑब्वियसली गोरिल्ला ग्लास 3 होगा, उससे ऊपर तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि होगा। चलिए कोई बात नहीं, रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट है, सिंगल कैमरा है एंड और कुछ नहीं है, लावा की ब्रांडिंग है, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो डिजाइन के हिसाब से मैं कहूंगा अंडर 6000 एक ठीक ठाक स्मार्टफोन दिखता है दोस्तों। चिपसेट की तरफ आते हैं, 1.6GHz का अननोन चिपसेट दिया हुआ है जो कि ऑक्टा कोर का है। अब जो भी हो मेरे ख्याल से यूनिसॉक का है या तो मीडियाटेक का है, वो लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उस प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा ओके काइंड ऑफ प्रोसेसर है, बहुत खराब भी नहीं कहूंगा। आप नॉर्मल गेमिंग वेमिंग कर सकते हो छोटी वाली, बड़ी हैवी गेमिंग तो इम्पॉसिबल है उस प्रोसेसर के साथ, लेकिन अगर आप लूडो खेलते हो या फिर टेम्पल रन खेलते हो ये सब गेम्स आराम से चल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। तो छोटे मोटे गेम जितने हैं वो सारे आप खेल सकते हो, बड़ी गेमिंग आप इससे एक्सपेक्ट मत करना। परफॉर्मेंस मॉडरेट यूज करते हो तो आराम से किसी अगर 50-60-70 ईयर्स के आदमी के लिए यूज के लिए चाहिए, जो कॉल करता हो छोटे मोटे काम करता हो, तो उसके लिए अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी स्मूथ चल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। एंड्रॉयड 10 के ऊपर है तो ठीक ठाक काम मिल जाएगा, बहुत हैवी काम नहीं कर सकते, बहुत हैवी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, लेकिन आपको मॉडरेट यूज के लिए ठीक है दोस्तों। कैमरा की तरफ आते हैं, रियर साइड पे सिंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, अपर्चर अपर्चर के बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन पता चला है कि आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बूके, पैनोरमा, HDR, नाइट मोड, सारी मोड आपको मिल जाएंगे और कोई दूसरा सेंसर नहीं दिया, सिंगल कैमरा ये रियर साइड पे 8 मेगापिक्सल का, बाकी सारे काम कर सकते हो। 6000 के नीचे के स्मार्टफोन में और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप। फ्रंट साइड में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8-9-10 हज़ार के स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं रियलमी वाले, आप इसमें कितना एक्सपेक्ट करते हो। 5 मेगापिक्सल से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, सेल्फी के लिए अच्छा स्मार्टफोन है, नाइट मोड उसमें भी है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रियर साइड पे फ्लैश है, फ्रंट साइड पे नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है मेरे हिसाब से कैमराज प्राइस के हिसाब से अप टू द मार्क है दोस्तों। अब आते हैं बैटरी की तरफ, आप कहोगे कि मैं बड़ा ही कर रहा हूँ, लेकिन 3100mAh की बैटरी मॉडरेट यूज में आराम से एक दिन निकाल लेगी। अब आप यार नोकिया में 3000mAh की बैटरी आती तो चला लेते हो, यहाँ पे आप गाली दोगे तो फिर कैसे चलेगा। 3000 मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी बैटरी है, लेकिन जिसके लिए बनाया गया स्मार्टफोन, जिन लोगों के लिए अगर वो लोग पूरा दिन मॉडरेट यूज करते हैं तो एक दिन आराम से निकल जाएगा। 10W का चार्जर है, USB 2.0 का पोर्ट है, ठीक मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक है बैटरी। सेंसर्स के मामले में आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया हुआ है, फेस अनलॉक काम कर लेता है, देन उसके साथ एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर सारे मिल जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जायरोस्कोप का इशू हो सकता है इस प्राइस में। सॉफ्टवेयर बेस मिल जाए तो अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इशू करेंगे। तो सेंसर्स ऑब्वियसली 6000 के नीचे का है तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक दो सेंसर इसमें गायब मिलेंगे दोस्तों आपको। स्लॉट डेडिकेटेड है, 128GB तक बढ़ा सकते हो, वेरियंट एक ही आया हुआ है, 2GB 16GB, प्राइस है 5774 रुपीज़, यानी 5774 रुपये। देखना चाहते हो देख सकते हो, मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा जो बहुत यूज़ नहीं करते अगर उनको 6000 के नीचे एक स्मार्टफोन चाहिए तो
तो उनको दे सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है डेली यूज के लिए, बहुत ज्यादा काम अगर ना हो, बहुत हैवी गेमिंग ना करनी हो, सारी चीजें ना करनी हो, और इंडियन ब्रांड ही अगर आपको, तो आप स्मार्टफोन की तरफ एक बार जरूर देख सकते हो दोस्तों। अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत खराब तो नहीं है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक काम किया है। कैसा लगा आपको जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बता दीजिए क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना है, साइड में देखो वेब पे इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें भी देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कहने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।